अब्दुल अब्दुल रुक रुक रुक। अरे दोस्तों आज मैं ऐसी तड़कती फड़कती चीज लेकर आया हूँ जिसकी वजह से आप सबको जलसा जलसा हो जाएगा। ओहो की बताता हूँ जम्मक सोडा मसाला खास गुजरात से आया है। वाह अब्दुल ये ले, सबके ग्लास में पहले ये मसाला डालना फिर सोडा डालना और बाद में नींबू निचोड़ना। दोस्तों ये मसाले की सोडा आप एक बार पी के देखिए, इतना जबरदस्त मसाला है कि एकदम मजा आ जाएगा। अरे एक मिनट अब्दुल, वो जरा मेरे को पैकेट दिखा ना, उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करना है। ये छड़ना यार, वो देख के ही करना, वो खा पी के मजे कर। हाँ। अरे सोड़ी ये मजा कल का सजा हो जाएगा। ये जयडलाल तो तारीफ करके हमको ये सोडा पिला देगा, लेकिन कल कुछ पेड़ में गड़बड़ हो गया तो। यार ये अय्यर भाई को बहुत पंचायत है। अय्यर भाई क्या आप भी भाई, आपको सब कुछ जानना होता है। आपको पता है बहुत ज्यादा पता होना भी एक प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान एक प्रकार का श्राप है। जयडलाल तुम मेरे को सांप बोल रहे हो? अरे सांप नहीं भाई, श्राप श्राप। ओ टीवी सीरियल में नहीं दिखाते? ए पाखंडी, ए अधर्मी, अधर्मी। सोमवार को किया मेरा बाण का वार, भले खाली गए हो, भले खाली गए हो, लेकिन आने वाले मंगलवार को तुम्हारा अमंगल होगा, क्योंकि मैं तुम पे करूंगा श्राप का वार, श्राप का वार। बहुत बढ़िया जेठालाल, वंस मोर। एक बार है पाखंडी, ए अधर्मी, सोमवार को मेरा किया बाण का वार भले खाली गया हो, लेकिन आने वाले मंगलवार को। मंगलवार तो उधर है ना। अरे इसका मंगलवार इधर है भाई, छोड़ो ना यार। आने वाले मंगलवार को तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि मैं तुम पे करूंगा श्राप का वार, श्राप का वार। और भाई और किसी को मोर? तू क्या हंस रहा भाई इतना, क्या हंसी आ रही है? और ये एडिशन जबरदस्त था, कुवारे पाखंडी। वो गलत था भाई, वो गलत एडिशन था वो। देखो जयडलाल ये मजाक का बात नहीं है। अब्दुल मेरे को वो पैकेट दिखा। अरे यार ये, अरे अय्यर भाई आप चिंता मत करो, कुछ हुआ ना तो मैं एक गोली लिख के दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। गोली मेरे घर पे आकर क्या करेगा? अरे गोली मतलब मेरा बेटा गुलाब कुमार नहीं, खाने वाली गोली, मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। बनाओ बनाओ अब्दुल, जल्दी से सोडा बनाओ, मुझे तो ये जम्मक सोडा मसाला नाम सुन के ही मुँह में पानी आ रहा है। हाँ आते भाई बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ। अब्दुल एक गिलास अपने लिए भी बनाना, तुम भी जरा चख के बता कैसा है मसाला। हाँ हाँ जड़े भाई। Cheers! पियो पियो पियो। क्या बात है जेठालाल, अप्रतिम चमक। तो मुझे क्या चीज लाएगा जेठा भाई, मस्त है। हाँ भाई मजा आ गया, मेरे दिमाग की छतरी खुल गई। भाई जेड़ा ब्रा यार दिल खुश कर देता है ना। तो बच्चे, अरे हाथी भाई आप चुपचाप बैठे कुछ बोल नहीं रहे। अरे बोलिए भाई, आपका रिपोर्ट दीजिए, खाने पीने के मामले में आपका सरपीटी का सबसे जरूरी है। रिपोर्ट एकदम नंबर वन है जेठा भाई। मैं तो कहता हूँ जम्मक सोडा मसाला के पैकेट मंगा के अब्दुल की दुकान पे रखवा दीजिए, रोज यही मसाला डाल के सोडा पिएंगे। हाँ मैं भी इसकी एजेंसी खोल देता हूँ, मेरा भी फायदा हो जाएगा। अरे वाह अब्दुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं काम करता हूँ, कल नट्टू काका को बोल के ये मसाला और मंगा लेता हूँ, उनके दोस्त ने भेजा था। नहीं नहीं अंकल मेरा खाना बाकी है। अच्छा बेटा ये भिड़े अंकल बता रहे थे आज सुबह लेडीज लोगों को तुमने कुछ
टूथपेस्ट के कुछ फ्री के स्कीम में से बचाया। हाँ अंकल। हाँ और हमें भी अभी पता चला कि तुमने अंजलि बाबी का मोबाइल 2 मिनट में ठीक कर दिया। बहुत सिंपल था पीड़ अंकल, उनके फोन में वायरस आ गया था इसीलिए फोन हैंग हो रहा था, तो मैंने वायरस निकाल दिया तो हो गया। चलो अंकल मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन भैया, सच में बहुत ही होनहार लड़का है, कभी भी कोई भी काम के लिए मना नहीं करता। पर पिंकू अभी रहता कहाँ है, पहले तो यही रहता था ना? हाँ हमारी विंग में सोड़ी के ऊपर वाला फ्लैट है ना, वहाँ अपने चाचा चाची के साथ रहता था। क्या है उसके पेरेंट्स पहले कनाडा रहते थे, वो अभी यहाँ शिफ्ट हो गए और चाचा चाची वहाँ चले गए, तो वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ आसपास की किसी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा ये तो नई बात पता चल रही है, सबको तो यही लगता था ना कि पिंकू हमारे गोकुल नाम का मेंबर है। नहीं नहीं वो क्या है, वो अभी बचपन से हमारे यहाँ पला बड़ा है ना, इससे ऐसा लगता था लेकिन ऐसा है नहीं। पिंकू ने कभी अपने माँ बाप से मिलवाया भी नहीं, मतलब मैं तो उसके माँ बाप से कभी नहीं मिला, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उसके मम्मी पापा को नहीं देखा है ना। नहीं कभी नहीं। हाँ यार वो कितनी बार तो वो हमारे घर पे सोया है लेकिन कभी भी उसके मम्मी पापा के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। बात तो एकदम पते की है सोड़ी भाई, कभी उसके मम्मी पापा को यहाँ से आते जाते भी नहीं देखा। अरे देखा भी होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये पिंकू के मम्मी डैडी है, वो तो अभी सडनली बात निकला तो ये सब सवाल खड़ा हुआ, और हम में से कोई भी पिंकू के बारे में ज्यादा जानता नहीं है। डॉक्टर दी आपको मालूम है? सॉरी आत्मारम तुमको? पोपड़ालाल? नहीं, हमको भी नहीं। देखा हम में से कोई भी पिंकू के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। नहीं हम में से कोई नहीं जानता लेकिन मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए कि पिंकू कहाँ रहता है, उसके माँ बाप कौन है, क्या करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह यहाँ पे आएगा ना टप्पू सेना से मिलने के लिए, क्या है वो कॉलेज साथ में जाते हैं ना, तब मैं पूछ लूंगा। हाँ पूछो पूछो भाई, और कुछ पता चला तो हमको भी बताना। चलो भाई ऐसी बात पे एक दूसरे को गुड नाइट कह के घर चले। अब्दुल आज के सोड़े का हिस्सा भी है, जेठालाल और मेहता सब लेट आए थे तो उनके खाते में आधा आधा लिख देना। भाई पोपटलाल ये गलत है दोस्त। क्यों गलत क्या है भाई, तुम लेट ही आए थे। नहीं 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 मेहता साहब क्यों भाई, मेरे खाता में लिख देना भाई। अरे नहीं मेरे खाते में, मेरे खाते में। छोड़ो नहीं यार, मेरे खाते में। ये अब्दुल मेरे खाते में, मेरे खाते में। क्या बात है, इसकी बात है ना, दुनिया में तो क्या फर्क पड़ता है। मॉर्निंग मिडंगल। अरे गुड मॉर्निंग बिंगू बेटा, ये लीजिए। ओहो सुबह सुबह चॉकलेट। हाँ भी अंकल, वो मेरे कनाडा वाले अंकल आंटी है ना, उन्होंने भिजवाई है। ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू वेलकम। अंकल आप कोई सुविचार सोच रहे हो ना? हाँ बेटा वो सुविचार ही सोच रहा था क्या लिखूं, क्योंकि सुविचार ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। माननीय श्री अब्दुल कलाम सर का एक सुविचार बताऊं, बहुत बढ़िया है। ए नेकी और पूछ बताओ बताओ। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वाह क्या बढ़िया सुविचार है। बढ़िया यस। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या बात है बेटा, क्या बढ़िया सुविचार बताया तुमने, थैंक यू वेलकम। चलिए भिंडे अंकल मैं चलता हूँ। अरे हाँ पिंकू, अरे तुम्हारे चाचा चाची कैसे हैं, बात होती कि नहीं उनसे? हाँ होती है ना, इनफैक्ट वो आप सबको बहुत याद करते हैं। हाँ वाह वाह, उनको भी हमारा नमस्ते कहना। जी जी जी। और बेटा तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी मिलवाओ उनसे, आज तक कभी मिलवाया नहीं तुमने? वो क्या है ना भिडंकल, आई पापा का फोन है, उनको अर्जेंट बात करनी है आपसे, जल्दी ऊपर आइए। हाँ हाँ आलो चल मिलते हैं। हाँ अंकल बाय। और भाई पिंकू कहाँ जा रहे तुम्हारा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं अंकल। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। अरे अंजलि आंटी आपका फोन कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? हाँ थैंकफुली, तुमने मुझे मेरा मोबाइल ठीक करके ना दिया होता ना तो मेरा पूरा काम अटक जाता, सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम आंटी। वैसे पिंकू बाय द वे आजकल रहते कहाँ हो यार तुम, पहले तो यही रहते थे, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है भाई, उनसे मिलवाओ कभी, घर लेके आओ ना कभी। मिलवाता हूँ ना मैं अंकल, बहुत जल्द मिलवाता हूँ। अरे आप वो सब छोड़िए, आप ये चॉकलेट्स खाइए, ये स्पेशली मेरे अंकल आंटी ने कनाडा से भेजे। क्या बात है पिंकू,
कितना समझदार बच्चा है भाई पिंकू, तुम बहुत समझदार हो। अंजलि कितना समझदार बच्चा है। सुबह सुबह चॉकलेट, बहुत बढ़िया पिंकू। तुम्हें पता है सुबह सुबह आदमी चॉकलेट खाएगा तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा। क्या बात है पिंकू। एक मिनट तारक, एक मिनट। क्या चॉकलेट में क्या होता है? शुगर। और शुगर से क्या बढ़ती है? कैलोरीज। सुनो चॉकलेट। अंजलि आंटी, ये शुगर फ्री चॉकलेट है। पिंकू कितना समझदार बच्चा है भाई, शुगर फ्री। चॉकलेट में क्या नहीं है? शुगर। तो इससे क्या नहीं बढ़ेगा? कैलोरी। इसलिए यस चॉकलेट। पिंकू यार तुम्हारी समझदारी का तो कोई जवाब नहीं है, शुगर फ्री चॉकलेट। अंजलि आंटी ये आपके लिए। कैसी है? अरे पूछ मत। अरे वाह। It's full of sugar. तो लेट हो रहा है। बाय बाय। अरे अंजलि आंटी थोड़ा शुगर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट पिंकू चीटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एनीवे बाय बाय। अरे वाह पिंकू क्या बात है यार, तो सबके लिए चॉकलेट है? हाँ गोली, लेकिन अभी नहीं है, सबको आने दे फिर देता हूँ। ओए सब शाम को आएंगे तो शाम को चॉकलेट देगा। अरे क्या बोल रहे गोगी, मेरा नाक तो बता रहा है कि तेरे पास इम्पोर्टेड चॉकलेट है। हाँ लेकिन अभी नहीं, तू सब खा जाएगा गोली। पिंकू ये चॉकलेट मुझे दे दे। नहीं बोलो ना गोली। पिंकू ये चॉकलेट मुझे दे दे। पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे, पिंकू इम्पोर्टेड चॉकलेट लाया है और गोली को वो चाहिए, पिंकू दे नहीं रहा है इसलिए। चॉकलेट तो मुझे भी चाहिए। आपको थैंक यू भी और सॉरी भी। एक्चुअली ना हम पिंकू को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे और आपकी वजह से वो पकड़ा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कैसे हो बच्चों, कॉलेज वॉलेज कैसे चल रहा है? अरे वाह। अच्छा पिंकू तेरा काम था जरा आना, एक सेकंड। हाँ, पकड़ पकड़ के रख। मैं क्या बोल रहा था, कल वो सोडा शॉप पे ना तेरे पेरेंट्स की बात निकली थी, कभी लेकर आओ ना उनको सोसाइटी में मिलने। सबसे पहले मुझसे मिलवाना। हाँ पोपट अंकल, सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। अरे अब वो सब छोड़िए पोपट अंकल, आप ये चॉकलेट खाइए, ये स्पेशली मेरे अंकल आंटी ने कनाडा से भिजवाई है। ये बच्चे मुझे फिर से गिरा है, उसके पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। आ जाओ वेलकम। नहीं 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 उसको पहले आने दे, पहले आने दे। अरे नहीं यार गोली। थैंक यू। ये ले गोगी, ये ले सोनू तेरे लिए। हाँ यार। और ये बाकी सब मेरी। ए, एक टप्पू के लिए भी रखना। हाँ ठीक है ये ले गोगी टप्पू के। ओके। बाकी सब मेरी। अरे मेरे लिए? अरे यार तेरा तो पूरा पैकेट है यार, तूने नहीं खाई क्या? अरे यार ये तो चीटिंग है। बहुत यार सुपर चॉकलेट यार। अरे हाँ चॉकलेट तो मस्ती है, लेकिन हमारा चॉकलेटी बॉय टप्पू कहाँ है? वो रोज की तरह जब तक उसको बुलाएंगे नहीं तब तक थोड़ी आएगा। टप्पू। अरे टप्पू। 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 अरे हाँ आ रहा हूँ, दो मिनट आ रहा हूँ। What's up buddies? आ गए आ गए आ गए। Hi. Hello. Hey. Hi. अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? वाह 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 वाह, तो लेट कमर खुद लेट होने की बात कर रहा है। ये लीजिए टप्पू सेना के सेनापति, आपका लेट आने का इनाम। क्या बात है? क्या बात है, अगर लेट आने का ऐसा इनाम मिलेगा तो मैं तो रोज लेट आऊंगा। अरे नहीं यार टप्पू, रोज तेरी वजह से कॉलेज में लेट हो जाता है। तू तो अपने सर को मना लेता है, लेकिन हमारे सर का क्या, हमारे सर तो डांट देते हैं। हाँ। यार अरे गोगी डोंट वरी, हम टाइम पे कॉलेज पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स आज मैं खाने में एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे खाकर तुम मुझे लेट आने पे डांटोगे नहीं, उल्टा मेरी तारीफों के फूल बांटोगे।
क्या 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 ऐसी कौन सी चीज लाया? अच्छा क्या लाया? अभी नहीं कॉलेज में। अरे यार सब सुबह से खाने के लिए दौड़ा ही रहे हैं। कैसे याद आ गई? क्यों मैं आपको याद नहीं कर सकती? नहीं कर सकते ना भाई, जरूर कर सकते हैं। सच कहूँ तो आपका फोन आया और बाहर आई। अरे बाहर आई नहीं, बाहर आया, ऐसा होता है। और टप्पू के पापा, मेरा फोन आया तो आप दुकान के बाहर जाकर क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर बाहर वाला बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ दया, बाहर बाहर वो फूलों की बाहर होती है ना, बरखा बहार आई, उसकी बात कर रहा हूँ। ओहो लाया लाया बकिया, मैं तो समझी कि, जाने दीजिए मैं क्या समझी वो जाने दीजिए। आप क्या कह रहे थे, कैसे याद किया? टप्पू के पापा, मैं तो आपको हमेशा याद करती रहती हूँ पर बताती नहीं हूँ। अच्छा चलो आज तो बता, आज क्यों याद किया? हाँ ये कोकिला की वजह से। कोकिला की वजह से? कोकिला की वजह से मैं कैसे याद आ गया? लो मुझे पता था आप भूल ही जाएंगे, इसलिए खास आपको याद दिलाने के लिए फोन किया। मैंने आपको कहा था ना आज मैं कोकिला को मिलने के लिए जाने वाली हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ओ ले लिया जबला उबला सब ले लिया? हाँ हाँ सब ले लिया। ठीक है चाचा, मिल के संभल के जाना और फिर शांति से घर वापस जल्दी आ जाना। हाँ टप्पू के पापा, आओ जो वाला जल्दी मिले शो। आओ जे वाली जल्दी, आओ जे वाली जल्दी मरीशू। अरे सुनना डब्बू, सुनना यार डब्बा दे दे, बहुत भूख लगी, ऊपर चढ़ते रहते, मैं खा लूंगा यार। अरे गोली को खा, अरे मैं दूंगा लेक्चर के बाद खिलाऊंगा। हाय हाय रितिका, हाय गोगी। अरे फ्रेंड रे, हमने कहा कुछ बोले? अरे लेक्चर चल रहा है। अरे अरे कॉस्ट्यूम नहीं, मैं कॉस्ट्यूम नहीं, मैं कहां जा रहे हो तुम लोग? अरे टप्पू आर्ट्स साइंस कॉमर्स के सारे टीचर मीटिंग में हैं, इसलिए सबके फर्स्ट लेक्चर फ्री है। ओह चल मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। हां हां मिलते हैं। यार फ्रेंड्स फर्स्ट लेक्चर तो कैंसिल हो गया, खाली फुकट इतना दौड़ते दौड़ते आए ना। अच्छा फ्रेंड्स मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। क्या क्या क्या? अरे अब तो तेरा टिफिन खोल दे टप्पू। कल भी ना रह गया, ले चला जा खिलाता। चल चल यार टप्पू जल्दी दे दे यार, अब डब्बा तो दे दे यार। गोली इसमें ना बहुत ही अच्छी चीज है। अरे यार ये कब का बोल रहा है, क्या है? सोसाइटी से निकले तब से तू एक ही बात बोल रहा है। टप्पू यार बता देना ऐसा इस टिफिन में है क्या, बताना बताना। गोली इसको खाकर ना मुंह में आ हा हा आ हा हा आ हा हा हो जाएगा। वाह 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 टप्पू, जल्दी डिब्बा खोलना जल्दी। यार टप्पू तू बहुत फुटेज खा रहा है, अब मैं डब्बा छीन लूंगा। डब्बा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे खाने की बात खोलता हूँ। खोल तो पेश है स्पेशल टेप ले। और उसके साथ केरी का खट्टा मीठा चुंदा। अरे वाह ठेपला और चुंदा, इसमें स्पेशल क्या है टप्पू? इतना बिल्डअप किया ना गोली, ये थे अपने मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। और कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए जो भी खाना बनाती है वो स्पेशल ही होता है। करेक्ट, ला दे। अरे गोली गोली सॉरी सॉरी सॉरी, बस अब बराबर है। अरे ये ले चुंदा ले चुंदा। कुछ भी कहो दया आंटी के हाथों में जादू है। यस आखिर मम्मी किसकी है? और सुबह भी उन्होंने आज मुझे बादाम का दूध पिलाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। और फिर माँ बेटे मस्त गप्पे मार रहे थे। हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना, उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम यही रुक जाए, हम इससे ज्यादा बड़े ही ना हो। दोस्तों टप्पू सेना अपने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हुए क्षणों की यादों में खोई हुई, क्यों ना, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप के साथ बिताए हुए क्षण सिर्फ स्मृति नहीं होते, याद नहीं होते, खजाना होते। नहीं माँ बाप ये दो शब्द नहीं है, दो मंत्र है। और इन मंत्रों के उच्चारण के बाद किसी और मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन एक बार आपने गौर की, इस सारी बातचीत में
पिंकू चुप अवॉइड कर रहा है। क्यों है चुप पिंकू? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा दो स्थितियों में होता है, या तो व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो या बहुत कुछ हो। ये कारण क्या है? इन सवालों का एक गुलदस्ता मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। सोमवार को जब आप मिलेंगे मुझसे, तब कुछ सवालों के फूल आप मुझे देंगे, कुछ मैं आपको दूंगा। सोचिए तब तक क्या होता है, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।